चलो मैं प्लॉट करता हूं इसको, है ना। आप देखो कि आपने क्या ऐसे ही किया है। लेट्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एंड दिस इज 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, और ऐसे ही इधर -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे वैल्यू 0 आएगी इसकी, कितनी आ रही, 3। हम पहले y इक्वल टू 3x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो 1 पे ये 3 आ जाएगा और -1 पे ये -3 ना, तो ये थोड़ा स्टीप -3 है, -1 पे -3, ये स्टीपनेस ज्यादा है इसकी, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे। इतने पे ही बना देते हैं, है ना। दैट इज वाई इक्वल टू 3x ग्राफ हो गया, है ना। इसको उड़ा देते हैं, वाई इक्वल टू 3x बन गया। नाउ अब ये देखेंगे कि ये 1 कब हो रहा है, कहाँ पे 1 हो रहा है, ये यहां से यहां तक ये 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो 1 से पहले कहीं 2 हो रहा है, और 1 पे ये 3 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 कहाँ पे हो रहा है, कहीं यहाँ पे हो रहा होगा ऐसे। ऐसे ही -1 कहाँ पे हो रहा है ये चेक करेंगे, कहीं यहाँ पे। -2 कहाँ पे हो रहा है ये चेक करेंगे यहाँ पे, और ऐसे -3 हो रहा है -1 पे। अब होगा क्या, जब आप इस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाओगे, तो 0 से इस वाले पॉइंट तक तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज रहेगा ना, एज इट इज रहेगा। लेकिन जब यहां से यहां तक जाएगा, तो ये 1 से 2 के बीच में है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 ना, और 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 यूनिट डाउनवर्ड आ जाएगा, मतलब जो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 1 यूनिट डाउनवर्ड आ जाएगा, वो ऐसे जाएगा ऐसा, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक, मतलब ये फिर 2 यूनिट नीचे आएगा, तो वो फिर ऐसे चला जाएगा यहां से यहां तक ऐसे। फिर मतलब इन सब का स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, स्लोप 3 ही रहेगा। जब स्लोप सेम रहेगा तो ये पैरेलल रहेंगी, लाइन रहेंगी, ऐसे ही रहेगा और ऐसे चलता रहेगा ये। तो इधर भी देखो, ये -1 से, तो ये यहां से ये इंक्लूड इंक्लूड होगा, और यहां से यहां तक ये ऐसे चलता रहेगा ये, और ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। तो इसका ये देखो, और ये पीरियोडिक है कि नहीं, हाँ है इंटरवल पीरियड कितना हो जाएगा, वन वन नहीं 1/3 ना, वन बाई थ्री करीब सॉरी हाँ, तो 1/3, बार बार 1/3 के, देखो ये 1/3, ये 1/3 है, 2/3 है, और फिर 1 है, इस तरह से। तो हर एक 1/3 के इंटरवल में जो आएगा वही रिपीट होता जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही बनाया आपने। दिस सेम सेम इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। कोई डाउट इसमें नहीं ना, नेक्स्ट लिखते हैं, सम मिसलेनियस कर्व बनाते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मिसलेनियस कर्व में क्या क्या आते हैं। पहले तो एक पहला जो टाइप है वो इनइक्वालिटीज का कर देते हैं, जैसे पहला इनइक्वालिटी वाला, इनइक्वालिटीज ना, इनइक्वालिटीज में कैसे काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं,
एग्जाम्पल के तौर पे कि y प्लस हाफ इज ग्रेटर देन 5 टू पावर माइनस मॉड x, ऐसा बना लेते हैं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो पहले तो हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ लास्ट टाइम आई होप कि हम लोग सीख चुके हैं, तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। जीरो पे ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ, जीरो पे वैल्यू वन आएगी ना, कॉल दिस वन, जीरो है और पॉजिटिव राइट में फाइव की पावर माइनस एक्स, क्या वो इस तरह से जाएगा ऐसे, और ये मॉड एक्स है तो ये इस तरह से जाएगा ऐसे, सिमेट्रिक अबाउट वाई। अब देखो यहाँ पे y को रिप्लेस करना है y प्लस हाफ से, तो क्या होगा बताओ, या यू कहें कि y इज इक्वल टू 5 टू माइनस मॉड x माइनस हाफ हो गया ना, तो कितना पड़ेगा क्या हो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बाय हाफ यूनिट। तो ये जो वन था ये हाफ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे भी ये जो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है वो कहाँ पे मिलेगा, माइनस हाफ। तो ये जो ग्राफ है जो ऐसे जा रहा था ये कुछ अब ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये वाला ग्राफ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मैं बना देता हूँ, दिस इज वाई प्लस हाफ इक्वल टू इज इक्वल टू फाइव टू पावर माइनस। अब देखो होगा क्या, हो क्या रहा है, ये ग्राफ ने ना इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर और इसके, एक इसके ऊपर वाला रीजन और एक नीचे वाला रीजन। तो मैं इसके नीचे या इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट बहुत आसान सा है, पॉइंट है कोई भी, जैसे 0.2 है, चलेगा 0.2, समझ आ रहा है क्या ये, जीरो कॉमा टू होगा ना कि डी ऊपर, इस वाले कर्व के ऊपर हमें कोई जनरल पॉइंट लेना, तो आसान सा पॉइंट ले लिया मैंने 0.2, इसके ऊपर ही है। सो क्या देखो ये कर्व है y प्लस हाफ इज इक्वल टू फाइव टू पावर माइनस मॉड x है ना, इस कर्व के उस साइड एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इसके साइड, इसने इस पूरे 2D प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर। तो आप किसी भी रीजन में एक पॉइंट ले लीजिए, चाहे राइट साइड में ऊपर ले लीजिए, चाहे डाउन साइड में, कोई नीचे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आप इधर नीचे भी ले सकते हैं, लेट से यदि इधर एक पॉइंट ले सकते हैं माइनस वन और ये 0.-2 इधर होगा कि नहीं होगा, एक इधर हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये पॉइंट इसमें टेस्ट कर लेते हैं इस वाली इनइक्वालिटी में, पहली वाले में क्या ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो चेक करें क्या, -2 जैसे -2 प्लस हाफ ग्रेटर देन 5 की पावर -0, तो ये कितना -3/2 ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है ना। इसका मतलब है कि जिस रीजन का पॉइंट आपने टेस्ट किया वो रीजन नहीं बता रहा है ये, कौन सा रीजन होगा, ऊपर वाला जो ग्रेटर देन है, वो मतलब ये रीजन हो जाएगा पूरा। इसमें बाउंड्री आएगी क्या, बाउंड्री नहीं आएगी। बाउंड्री क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होती तो बाउंड्री आ जाती, ये बात समझ आई, इक्वालिटी इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, पहले इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करिए फिर वो कुछ रीजन में डिवाइड करेगा, तो इस रीजन के कुछ पॉइंट ले लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी रीजन को से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसके दूसरे रीजन को बिलोंग कर रहा है। क्या इतनी बात समझ आई, पक्का
अच्छा तो एक ग्राफ प्लॉट करो, मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ प्लॉट प्लॉट। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ मॉड वाई, प्लॉट करो जल्दी से फटाफट। सर तो ऐसे दिखाएंगे कैसे कि रीजन इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है, मतलब ग्राफ का दिखाना? तो उसको ऐसे डैश लाइन बना सकते हो, जैसे मैंने ये किया ना इसके ऊपर ऐसे डैश लाइन बना दिया, ऐसे ऐसे डैश लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से डैश लाइन होती है। अभी इसको प्लॉट करो, बताओ कैसे। समझ आ रहा है? नहीं समझ रहे? कर रहा हूँ। सब बेसिकली इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे कुछ नहीं रहेगा। अभी तो पहले प्लॉट करो, इक्वालिटी पता करो, इक्वालिटी वाला ग्राफ प्लॉट करो पहले। तो वही वही कर। इक्वालिटी वाला कर लिया। आ गया। और फिर दो रीजन मिलेंगे आपको, कोई एक रीजन आप देख लीजिए, उसमें एक पॉइंट टेस्ट करके देख लीजिए क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। एक मिनट आएगा, यदि कर रहा है तो वही रीजन होगा, नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा वाला रीजन होगा। अब देखो इसमें ये y एक्सिस पे प्लॉट किया जाएगा साइन y, है ना? तो हो गया, सो डन डन ना। अच्छा अच्छा मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ, आप टेस्ट करना अपना ग्राफ, है ना? ज्यादा समय लगेगा नहीं इसमें। लेट्स से ये x हो गया, ये y हो गया, y हो गया, और ये पाई है, ये 2π है, पाई 2π, और यहाँ से माइनस पाई माइनस 2π, लेट्स से ऐसा। अच्छा हमें पहले x इक्वल टू साइन y का ग्राफ बनाना पड़ेगा, साइन मॉड y। तो ये क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव y के लिए बना ले, पॉजिटिव y के लिए, और उसी का मिरर इमेज नीचे चला जाएगा फिर। तो पॉजिटिव y में क्या होगा, देखो पाई बाई टू, वाई यदि पाई बाई टू रखे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, साइन पाई बाई टू इज 1, तो y यदि यहाँ पाई बाई टू रखे तो x की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे। लेट्स सी ये 1 हो गया, 1 ये हो गया, और ये माइनस 1 हो गया, माइनस 1 तो 1 ये आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये इस तरह से ये ऐसे ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 होते हुए
मैंने शायद जरा उल्टा बना दे, मैंने लेफ्ट से बना। गलत कर दिया, ये ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इस तरह से जाएगा ऐसे और सो ऐसे। मैंने -1 की साइड से लिया, वो गलत है ना? हाँ गलत है, गलत है, इसीलिए तो ये बनाया मैंने कि आप टेस्ट करो इसको और आगे बढ़ा देते हैं। लेट्स से तो ये इस तरह से आगे जाएगा। वन कहीं यहाँ पे है, समझा? ये समझ आया क्या? ये इतना ग्राफ आगे हाँ समझ गया। ऐसे जाएगा, मोड लगा हुआ है ना ये इस पे, हाँ मोड वहीं पे। अब देखो इस इसका नाम है x इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड वाई, ठीक है, साइन ऑफ मोड वाई। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इनइक्वालिटी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बताओ, कि कोई भी चाहे राइट में ले लीजिए एक पॉइंट, चाहे लेफ्ट में ले लीजिए। लेट से मैं राइट में ले लेता हूँ इधर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, क्या टू टोटल कॉमा जीरो। जीरो? हाँ अब इसकी हाँ टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसमें, है ना, टेस्टिंग, इस पॉइंट की टेस्टिंग कर लेते हैं। देखो इसके राइट में एक पूरा रीजन है और इसके लेफ्ट में एक पूरा रीजन है, पूरा 2D को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। तो अब इस पॉइंट के लिए टेस्टिंग करते हैं, तो x यदि 2 पुट कर दें तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 0, क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है ना, हाँ यस ट्रू है। इसका मतलब है कौन सा रीजन आ जाएगा, वो कौन से रीजन, राइट। राइट वाला, ऐसे ये वाला पूरा बाउंड्री आएगी इसमें, यस बाउंड्री इंक्लूड होगी, बाउंड्री इंक्लूड होगी, पूरा रीजन आ जाएगा राइट साइड वाला। तो इनइक्वालिटी वाले ग्राफ समझ आए कैसे प्लॉट करने हैं, इनइक्वालिटी ग्राफ कैसे स्केच करने हैं, क्लियर हो गया ना? और एक और टाइप होता है स्पेशल, वो भी बता देता हूँ कि यदि इस तरह का ग्राफ हो तो कैसे अप्रोच करें प्लॉट। y इज इक्वल टू लेट से मैंने कहा 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और प्लस कुछ 18 अपॉन x माइनस 3, ऐसे कुछ है। इसको कैसे प्लॉट करेंगे ये देखना है, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, डिफरेंशिएशन यदि करते हैं इसका, या पहले एक्स और वाई बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे ये ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, एक्स और ये वाई है और यहाँ पे ये 1 आ रहा है, 1 2 3। देखो 1 और 2 और 3 पे ये तो नॉट डिफाइन है ना, नॉट डिफाइन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं इस तरह से, 2 पे भी नॉट डिफाइन आएगी इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो ये वर्टिकल लाइन बना देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी नहीं। 3 पे भी ऐसे ही कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पे यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, dy बाई dx करूं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस, देखो इसकी पावर -1 है तो -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -18 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा <0 है। तो इसका क्या मतलब, यदि f(x) <0 है, इसका मतलब है कि y इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दे ज्यादा अच्छा है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो ये तो तय है कि यहां से ये आगे जाएंगे तो ये हमेशा डिक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है? अच्छा इसमें और भी आगे पढ़ेंगे तो हम इसमें कॉनकेविटी भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम कॉनकेविटी पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या आएगा। कॉनकेविटी पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के बाद आता है। तो ग्राफ प्लॉटिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि अभी जो पढ़ लिया उतने से हो जाएगा, कैलकुलस कंप्लीट होने तक
तक ये ग्राफ प्लॉटिंग चलता रहेगा, ठीक है। तो जब एओडी पढ़ेंगे तो वहां पर और अच्छे से डिस्कस होगा कि कॉन्केविटी कैसी आती है। फिलहाल तो अभी ये देख लेते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा देखो, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो ये सब y किसकी तरफ जाएगा, y बताओ, y की वैल्यू किसकी तरफ है, जीरो की तरफ जाएगा ना, ठीक है, y की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, वैल्यू अलग अलग रीजन में वैल्यू चेक करना है कि यहाँ पे क्या है। तो देखो 3 के राइट में कोई x ले लें तो ये पॉजिटिव, जैसे 4 ले लिया है, 5 ले लिया, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी वैल्यू, ये पॉजिटिव आएगी इधर, और इधर क्या आएगी, ये माइनस, अल्टरनेट ये प्लस माइनस आती रहेगी, ये माइनस ऐसे। तो ये बता रहे कि इन इन रीजन में इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ये माइनस माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट्स ही हमें प्लॉट करने हैं, है ना। अब देखो 3 के जस्ट राइट में देखते हैं, जैसे 3 के जस्ट राइट में देखते हैं, 3 के जस्ट राइट में, तो क्या ये 3 प्लस डेल्टा माइनस 3 आएगा ना, डेल्टा हो जाएगा ना, डेल्टा इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है। तो जब ये बहुत ही जीरो प्लस होगा तो 18 अपॉन जीरो प्लस क्या प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ, और फिर उस समय क्या इसकी वैल्यू कुछ काउंट हो पाएगी प्लस इन्फिनिटी, नहीं नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होगी इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसके जस्ट राइट में देखो 3 के जस्ट लेफ्ट में जाएगा तो ये 3 माइनस डेल्टा माइनस 3, तो ये माइनस डेल्टा आएगा, मतलब क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, हाँ नेगेटिव वैल्यू है। अब जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो 18 अपॉन नेगेटिव वैल्यू क्या ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, हाँ, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो इधर कहीं आएगा माइनस इन्फिनिटी पे। ऐसे ही 2 के राइट में चेक करोगे तो 2 के राइट में ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और 2 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी होगा, 1 के प्लस में प्लस इन्फिनिटी होगा और लेफ्ट में ये माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यदि x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी किया तो भी y किसकी तरफ जाएगा, y टेंड्स टू जीरो होगा। तो अब ये देखना है कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा, तो पता ये जीरो तो होगा वाई, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, यदि ये जीरो रख दें माइनस, तो जो भी आएगा ये नेगेटिव में आएगा ना, हाँ, तो ऐसा आगे लगे, इन सब का एडिशन कर दिया तो ये आया। तो पता है कैसे आएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, याद रख लो, ये प्लस इन्फिनिटी से इधर जा रहा है, तो ये बाय द वे बीच में कहीं कट करता है, कॉनकेव अप, और फिर यहाँ कॉनकेव डाउन होता है, कॉनकेव अप होता है इधर, ऐसे कहीं बीच में कॉनकेव अप रहेगा, डिक्रीजिंग है, याद रखना है डिक्रीजिंग है, और ये ऐसे जाएगा और इसे ऐसे आएगा इधर, और ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा ऐसे, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू, जो इसका ग्राफ है। क्लियर हुआ क्या, ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सब, लेकिन ये इस तरह से बनेगा। एक और टाइप आता है, आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको हटा दें क्या, कोई डाउट अभी नहीं, इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट कितने हैं, तो इसको इक्वल टू जीरो करके तुम सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बनेगी तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उनका जो रूट आएगा वो यही दो रूट होंगे जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है मिनिमा और मैक्सिमा वाले ग्राफ कैसे देखते हैं, आप कर पा रहे हो क्या, ये देख ले प्लॉट, एक ग्राफ y is equal to, इस तरह का ग्राफ या इस तरह का आपने देखा होगा, max of x square comma
मॉड एक्स, इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं, तो मैं एक बना देता हूं और फिर आप नेक्स्ट प्लॉट करना, ठीक है? समझा देता हूं इसको। ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, पहले ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लेट से ग्राफ ये हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये इस तरह से हो गया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट से ये जीरो हो गया, वन पे वन हो गया, वन और माइनस वन पे वन हो गया, ठीक है, और टू पे वैल्यू फोर हो जाएगी इसकी, टू पे वैल्यू फोर आ रही है, वन पे वन, माइनस टू पे वैल्यू फोर आ रही है, माइनस, ठीक है। अब एक बनाना है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये This is y equal to mod x. चलेगा? हाँ. y equal to mod x का ग्राफ है। अब ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वाला बनाना है, तो किसी भी x पे ये पॉइंट ले लें, लेट्स से x, x ये ले लें, तो कौन सा हाइट ज्यादा, किसका y ज्यादा है, एक हाइट ये है y और एक हाइट ये है, कौन सा हाइट ज्यादा है? पैराबोला वाला ना, तो मैक्स, यदि हमने कहा मैक्स ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों में जो बड़ा है वो लेना है, तो क्या करेंगे बताओ, जो ग्राफ ऊपर है, ऊपर वाला ग्राफ, तो जो ऊपर वाला ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो ग्राफ है, ये इन दोनों में जो ऊपर वाला ग्राफ है, जैसे अब यहाँ पे पैराबोला वाला नीचे आ गया, तो ये नहीं लेंगे, फिर ये लेंगे ऐसा, फिर लेंगे ये वाला ऐसे, जो ऊपर है उसको ले, हाँ ये हो गया, दैट इज द ग्राफ ऑफ, ये जो लिखा है ब्लू में, हाँ ब्लू में, ये मैक्स है इसका। अच्छा, मिनिमम वाला होता तो यदि ऐसा पूछ लिया जाता कि y इक्वल टू मिन ऑफ, सर तो पहले पैराबोला फिर वो स्ट्रेट लाइन, तो जो ग्राफ नीचे आ रहा हो सब में, जो ग्राफ नीचे आ रहा हो, तो इसको मैं किससे ले लूं, लेट्स से इस लाइन से ले लेता हूं, तो नीचे जो आ रहा है वो यही आ रहा है ना, तो ये हो गया ऐसे, ये जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा मिनिमम जो नीचे जा रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे, ये मिनिमम मतलब नीचे वाला, फिर ये इस तरह से जाएगा, ये वाला कर, दैट इज द मिन, मिन वाला पोर्शन आ जाएगा, मिन ऑफ, तो क्या ये समझ आया कैसे प्लॉट करना है, हो गया, ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करो आप, आगे बढ़े क्या इसको, कि देखना है आप लिखोगे इसमें, तो हो गया, लिख हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप प्लॉट करो। प्लॉट प्लॉट मिन ऑफ ब्रैकेट एक्स कॉमा मॉड वाई माइनस, एकदम टफ हो गया, मैं थोड़ा इजी देता हूं, मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज इक्वल टू वन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बता कि इन दोनों में जो मिनिमम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल है। अपलोड करो,
प्लॉट की, प्लॉट का काफी देर से हम लोग एक ही चीज लिख रहे हैं, स्पेलिंग PLOT होता है ना, प्लॉट। और भी जगह गलत किया है हमने लगता है, ये इधर भी ये। चलिए सर, इसका कैसे करूँ? ये दोनों ग्राफ में एक पार्ट इंटरसेप्ट हो रहा है। ये थोड़ा लॉजिकल है, लॉजिकल चलना पड़ेगा। ये स्क्वायर है क्या? नहीं, वो तो मॉड एक्स प्लस मॉड बाई इक्वल टू है। ऐसे करेंगे, लेट्स से ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है, एक्स एंड वाई। कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे कि लेट, पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस, मॉड एक्स लेस देन, या पहले तो ये लिख लेते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई इज इक्वल टू, यदि 1 हो गया तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 ना। तो हाँ, पहले तो ये लाइन खींच लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन कौन सी होगी, एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन क्या ये होंगी, दिस इज एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1। ऐसे ही वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो ये वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन है, वाई इक्वल टू 1, और ये वाई इक्वल टू माइनस 1 वाली लाइन है। ठीक है, तो जहां पे ये इक्वल हो रहे हैं, दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, मॉड एक्स मॉड वाई लें, तो वो पॉइंट क्या यही है, हाँ ये वाले पॉइंट, ये मतलब ये जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स हैं ये इक्वल है, तो वहां पे ये 1 है, तो ये 4 पॉइंट तो आने ही आने हैं। क्या यहाँ पे आएगा क्या, ये पॉइंट इधर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो तो यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से कम है, यहाँ पे मॉड वाई की वैल्यू, मॉड वाई 1 है, तो हाँ मोड बाय जहां वन दोनों, तो वो ये 4 पॉइंट है जहां पे ये इक्वल है। तो पहला केस ले लेते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई हो, तो ये इक्वल कहाँ पे होंगे बताना, वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इज थर्ड इक्वल टू क्वाड्रेंट। प्लस माइनस एक्स ना,
y इक्वल टू प्लस माइनस x वाली लाइन पता क्या आएगी, जब एक ये y इक्वल टू x ये लाइन हो गई, y इक्वल टू x लाइन ये हो गई, और y इक्वल टू माइनस x लाइन ये हो गई। मैं ग्राफ ना व्हाइट से बनाऊंगा इस बार, है ना, देख रहा होगा ये फाइनल ग्राफ जो है, ये y इक्वल टू x हो गया, ये y इक्वल टू माइनस x। अब पहला केस जो है कि मॉड x ग्रेटर देन मॉड y हो जाए, तो कब होगा ऐसा, जब मॉड x उससे ज्यादा, तो क्या वो ये रीजन होगा, ये वाला होंगे कि नहीं, और इन दोनों में जो मिनिमम है इस रीजन में, मतलब यहाँ पे इन दोनों में जो मिनिमम है वो मॉड वाई होगा, तो मॉड वाई इज इक्वल टू वन प्लॉट किया जाएगा, मतलब मॉड वाई इज इक्वल टू वन, तो इस रीजन में मॉड वाई इज इक्वल टू वन प्लॉट किया जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन लिखा जाएगा, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, ये ऐसे यहां से स्टार्ट होगा, ये इधर जाएगा और यहां से स्टार्ट होकर ये इधर जाएगा, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होकर ये ऐसे ही बढ़ेगा, और यहां से स्टार्ट होकर ये मॉड वाई इक्वल टू वन है और ये मॉड वाई इक्वल टू माइनस वन। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा सिनेरियो कि मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई, तो अब वाई वाला वैल्यू बड़ा है ना, तो वो वाई जब बड़ा होगा तो इधर कहीं होगा ऐसा, अब वो इन रीजन्स में होगा, ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है, तो जब ये इन दोनों में जो है, जो छोटा क्या है, ये है ना मॉड एक्स, तो मॉड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, तो मॉड एक्स वन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इस रीजन में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लॉट किया जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वन वाला ये है, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये इधर जाएगा नीचे, इधर से ये जाएगा ऐसे इधर, और ये इधर जाएगा इधर, कैसा है? तो ये जो व्हाइट से जो ग्राफ बनाया व्हाइट वाला, दैट इज मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू वन। क्या इतनी बात समझ आई आपको, क्लियर हुआ? हाँ।